हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सिकाई 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 क्या होती है। सिकाई कई बार डॉक्टर बोलते हैं सिकाई करने के लिए, तो लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं सर सिकाई किससे करें, नमक पानी से करें, फिटकरी से करें या किससे करें। आज इसी सिकाई के बारे में बात करेंगे। लोग क्वेश्चन करते हैं कि बर्फ से करें या गर्म से करें, तो करें तो करें किससे करें, ठीक है। आज हम बात करेंगे कोल्ड थेरेपी के फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, आज सिर्फ कोल्ड थेरेपी की बात करेंगे। कोल्ड थेरेपी के इस्तेमाल से चोट वाले हिस्से पर ब्लड के बहाव को कम करने के लिए किया जाता है। इससे चोट वाली सूजन और दर्द में आराम मिलता है और साथ ही यह शरीर के डैमेज टिश्यू को जोखिम को भी कम करता है। चोट लगने के 48 घंटे के भीतर कोल्ड थेरेपी सबसे प्रभावी मानी जाती है। यह सूजन और दर्द वाले जोड़ों और सूजन वाले जोड़ों पर या मांसपेशियों का एक पारंपरिक उपचार है। घाव पर कभी भी बर्फ डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। घाव पर कभी भी सीधे डायरेक्ट बर्फ लेकर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान हो सकती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो डैमेज होने के चांस रहते हैं, खतरा रहती है, ठीक है। ऐसे मामलों में कोल्ड थेरेपी बढ़िया विकल्प है, जैसे पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, ताजा चोट, घाव, सूजन, गठिया, मोच, माइग्रेन, बुखार होता ना, तो पट्टी में लगाते हैं ठंडा ठंडा, उसमें काम आता, या काम करने की वजह से टेंडन और लिगामेंट में मोच और सूजन, ठीक है। इसमें हम बर्फ से करते हैं। इसका सबसे बड़ी साइड इफेक्ट ये होता है, जैसे कि मान लीजिए बर्फ लिया और लोगों ने बोल दिया कि कोल्ड थेरेपी से सिकाई करिए या बर्फ से सिकाई करिए और ठंडे पानी से सिकाई करिए, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बर्फ लेकर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो समझना होता है कैसे अप्लाई करना है। बर्फ को एक पॉलिथीन में लेना है, पॉलिथीन पैक करके तौली से कवर करना है। जिस पर्टिकुलर एरिया पर पेन हो रही है, दर्द हो रही है, चोट लगी हुई है, उसको सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे सिकाई कैसे करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि इसमें क्रायोथेरेपी प्रोडक्ट्स आता है, जैसे हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्रायोथेरेपी एक मशीन आती है बड़ी सी, उसके थ्रू हम लोग यूज करते हैं। इसमें आइस पैक, ठीक है, या कूल स्प्रे और आइस मसाज आज शामिल है, ठीक है। क्रायो स्ट्रेचिंग, इसमें हम स्ट्रेचिंग के दौरान मांसपेशियों की एठन को कम करते हैं, ठीक है, कम करने के लिए ठंडे तापमान का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्रायोटेक्निक्स, इस प्रकार की कोल्ड थेरेपी और एक्टिव एक्सरसाइज को जोड़ती है। लिगामेंट मोच के मामलों में यह एक प्रभावी माना जाता है। आइस बाथ यह क्रायोथेरेपी का दूसरा रूप है। बेहतर रिजल्ट के लिए आप एक तौलियों में लपेट कर आइस पैक को, ठीक है, थोड़े थोड़े समय के लिए सिकाई करें पर्टिकुलर एरिया पे जहां चोट लगी है, ठीक है। दिन में कई बार लगा सकते हैं, चोट वाली जगह पर कई बार लगा सकते हैं। आपको कभी भी 10 मिनट से अधिक बर्फ को सिकाई नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह तंत्रिका त्वचा और सॉफ्ट टिश्यू, जैसा उन्होंने बताया, उसको नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। और दूसरी बात, साइड इफेक्ट वाली जो बात है, इसमें क्या करना है, जो दिल की बीमारी वाले जो रोगी हैं, लोग हैं, वो कोल्ड थेरेपी, ठीक है, बर्फ से सिकाई कोल्ड थेरेपी लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लेंगे, ठीक है। सलाह लेने पर अपना इलाज करेंगे, कोल्ड थेरेपी लेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर कोल्ड थेरेपी लेते हैं तो क्या होता है, ब्लड को स्लो करता है, ठीक है। ब्लड को जैसे चोट लगने जगह पर क्या होता है, ब्लड जो स्राव होता है, जिसे फटी नहीं है मांस, उसके अंदर ब्लड बह रहा है, ठीक है, या क्लॉट हो गया, उस पर बर्फ से करते हैं तो ब्लड को रोकता है, सर्कुलेशन को रोकता है, तो इससे क्या होता है, स्वेलिंग कम होने लगती है, ब्लड कम होने लगता है, तो हमको आराम मिलने लगता है, ठीक है। तो ऐसे में पहले जो दिल की बीमारी से जो ग्रसित है, ठीक है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, माइनर हार्ट अटैक जिसको हुआ है, वो पहले पूछ लेंगे डॉक्टर से, ठीक है। उसके बाद अगर कोल्ड थेरेपी 24 या 48 घंटों के भीतर काम नहीं करता है तो अपने डॉक्टर से 100% सलाह लें या फिजियोथेरेपिस्ट सलाह लें, ठीक है। आज हम बताएं आपको शॉर्ट फॉर्म में कोल्ड थेरेपी के फायदे और नुकसान, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि सर बर्फ से क्यों करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कई बार होता है हम पेशेंट को बोलते हैं कि क्या करना है, आपको एक
बर्तन में गर्म पानी लेना है, एक बर्तन में ठंडा पानी लेना है फ्रिज वाले। तो पानी इतना गर्म होना चाहिए जितना बर्दाश्त हो सके, ठीक है। उसके फायदे हम अलग वीडियो में बताएंगे, क्यों 2-3 मिनट गर्म में रखना होता है, क्यों ठंडे में रखना होता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव नहीं है फिर भी लेके दूसरे को आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज के लिए आपको भी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।